यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उधर सहारनपुर की पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई। आग में करीब 10 से ज्यादा लोग झुलस गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम। थाना बिहारीगढ़ घाट क्षेत्र के गांव सतपुरा फैक्ट्री का ये मामला है। दस से ज्यादा लोगों के झुलसने की खबर है। ये एक पटाखा फैक्ट्री थी जिसमें आग लग गई। काफी अफरा तफरी इस दौरान मची रही। किस कारण ये आग शुरू हुई अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ गाजियाबाद में केमिकल फैक्ट्री में आग लगी, तो सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में आग लगी। दोनों ही जगह ज्वलनशील पदार्थ थे जिसके कारण यह आग तेजी से फैली। सहारनपुर में कई लोग घायल हुए हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम। थाना बिहारीगढ़ घाट क्षेत्र के गांव सतपुरा फैक्ट्री का ये मामला है। दस से ज्यादा लोगों के झुलसने की खबर है। ये एक पटाखा फैक्ट्री थी जिसमें आग लग गई। काफी अफरा तफरी इस दौरान मची रही। किस कारण ये आग शुरू हुई अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ गाजियाबाद में केमिकल फैक्ट्री में आग लगी, तो सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में आग लगी। दोनों ही जगह ज्वलनशील पदार्थ थे जिसके कारण यह आग तेजी से फैली। सहारनपुर में कई लोग घायल हुए हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम। थाना बिहारीगढ़ घाट क्षेत्र के गांव सतपुरा फैक्ट्री का ये मामला है। दस से ज्यादा लोगों के झुलसने की खबर है। ये एक पटाखा फैक्ट्री थी जिसमें आग लग गई। काफी अफरा तफरी इस दौरान मची रही। किस कारण ये आग शुरू हुई अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ गाजियाबाद में केमिकल फैक्ट्री में आग लगी, तो सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में आग लगी। दोनों ही जगह ज्वलनशील पदार्थ थे जिसके कारण यह आग तेजी से फैली। सहारनपुर में कई लोग घायल हुए हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम। थाना बिहारीगढ़ घाट क्षेत्र के गांव सतपुरा फैक्ट्री का ये मामला है। दस से ज्यादा लोगों के झुलसने की खबर है। ये एक पटाखा फैक्ट्री थी जिसमें आग लग गई। काफी अफरा तफरी इस दौरान मची रही। किस कारण ये आग शुरू हुई अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ गाजियाबाद में केमिकल फैक्ट्री में आग लगी, तो सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में आग लगी। दोनों ही जगह ज्वलनशील पदार्थ थे जिसके कारण यह आग तेजी से फैली। सहारनपुर में कई लोग घायल हुए हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है।